क्योंकि इस्लाम में देखिए पांच सुतून है, फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम है, कि जैसे कि हमारा ईमान पहला है, दूसरा है नमाज, तीसरा है हज, चौथा है रमजान मुबारक के रोजे, और पांचवा है जकात। तो इसमें देखिए ईमान जो है, ईमान तो देखिए सबके ऊपर फर्ज है। जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 24/7 है हमारा ईमान, ठीक है। और दूसरा है नमाज, जो हमारी पांच नमाजें हैं, तो हमें नमाजों का एहतमाम करना है, हमें हर हाल में कोशिश करना है कि नमाज हमारी ना छूटे, क्योंकि नमाज जो है ईमान के बाद नमाज का ही हिसाब किताब होगा। तीसरा है हज, अगर आपके पास पैसा है इतना, इतनी मिकदार है, कोई प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, या फिर आपके पास कैश है, जो हज है वो करना होगा इंशाल्लाह। उसके बाद है अपनी ज़कात, ज़कात भी उसके साथ ही है जिसके ऊपर वो ज़कात का हकदार है, ज़कात देने का हकदार है, तो उसको ज़कात देनी होगी 2.5%। अब उसके बाद है हमारा नंबर पांचवा, रमज़ान मुबारक के रोज़े। तो देखिए साल में आपको पता कि 12 महीने होते हैं, उसमें से एक महीना रमज़ान का होता है, उसमें 30 रोज़े होते हैं, कई बार 29 होते हैं, तो ये रमज़ान जो है हमारे लिए फ़र्ज़ है। तो अल्लाह के नबी ने इशारत फरमाया कि सवाब की नियत से अपने पेशे नज़र, अपने ईमान को पेशे नज़र रख के कोई रमज़ान के मुबारक के महीने के रोज़े रखता है पूरे के पूरे, तो इंशाल्लाह उसको पिछले उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो कितना आसान है देखिए इस्लाम जो है ना, बहुत आसान है, दीन बहुत आसान है। असल में क्या है, हम समझना ही नहीं चाह रहे, या फिर हम उस पर चलना ही नहीं चाह रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई आप ये अमल कर लो तो आपके गुनाह बख्श हो जाएंगे, आप ये अमल कर लो ये गुनाह बख्श हो जाएंगे, आप ये अमल कर लो, अस्तगफार पढ़ लो, रोज़े रख लो, नमाजें पढ़ लो, आपके गुनाह बख्श हो जाएंगे। लेकिन अव्वल चक्कर क्या है कि हम खुद ही अमल नहीं करना चाहते, या हम कर नहीं रहे किसी वजह से। तो हमें चाहिए कि हम नमाज़ों का एहतमाम करें, हम रोज़ों का एहतमाम करें। और देखिए ये वैसे रमज़ान की मुबारक की हदीस है, लेकिन ये हमारे सीरीज़ में चल रही है, तो इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, हमारी सीरीज़ चल रही है इसलिए। तो यही था इस वीडियो में, कि हम हमारे अगर रमज़ान कब आएगी इंशाल्लाह अगले साल 2023-23 में, तो हमें रोज़े रखने हैं इंशाल्लाह, और फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं छोड़नी है, फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं छोड़नी है, फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं छोड़नी है इंशाल्लाह। तो मैं आपके लिए ऐसी हदीसें लाता रहता हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलामु अलैकुम।